कौमी जमात का पहला इजलास मुंबई में मुनक़द हुआ, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों के 72 नुमाइंदों ने शिरकत की। कोलकाता के मशहूर वकील उमेश चंद्र बैनर्जी जिसके सदर थे। इस इजलास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली गई, जिसकी बिना पर भारतीय मुतालबात को मेमोरेंडम की शक्ल में बरतानवी हुकूमत को पेश किया गया। कौमी जमात का ख़ास मकसद मजहब, नस्ल, जबान और इलाकाई तफरीक को भुलाकर कौमी इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ाना था। 1885 से 1985 सन ईस्वी तक इतिदाल पसंदों का दौर था, जो कौमी जमात के काम से मुत्तफिक नहीं थे। इसीलिए कौमी तहरीक में फूट डालने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार की।